शादी करी सना चाहिए, नहीं चलेगी नहीं चलेगी बंदे। मैं बोलना चाहता हूँ जो भी तीनों चीफ हैं जो बहाना मार रहे हैं सरकार के खिलाफ, एक तो ये बहाना मार रहे हैं कि वो बच्चों का मेडिकल है वो क्लियर, हमारा मेडिकल क्लियर हो गया था और ज्वाइनिंग लेटर हमारे सामने खड़ा था, लेकिन ये बोल रहे हैं आपका लेटर कैंसिल, मैम आप जाएं कहाँ जाएं मैम, हम आपको कहीं नहीं जाना, आपका पूरा साथ दिया जाएगा। मैम एक तो मैम ये झूठ बोलते हैं, हम दो साल से इनके वेबसाइट चेक कर रहे हैं, बोल रहे वेबसाइट चेक कर तो आपको रिमूवमेंट देंगे ज्वाइनिंग देंगे, तो आखिरी में बोलते हैं आपका कैंसिल, ऐसा थोड़ी होता है मैम, ऐसा थोड़ी होता है मैम। ये क्या नाम है आपका? मैं मेरा रंजीत है, मैंने ए फोर्स की तैयारी की, आर्मी की तैयारी की, ए फोर्स की 2019 से मैंने फॉर्म भरा, फिजिकल निकाला, एग्जाम निकाला, फिर आखिरी में बोलते हैं आपका एग्जाम कैंसिल और इनरोलमेंट कैंसिल, और जो तीनों चीफ झूठ बोल रहे हैं कि है ना मेडिकल का दोबारा होगा, जो अग्नि नए अग्निवीर आएंगे उनका भी मेडिकल होगा, हमारे मेडिकल में हम कोरोना आएंगे वो भी तो जो आएंगे अग्निवीर जो मेडिकल देंगे वो भी तो कोरोना में आएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं तीनों चीफ के ना, अब मेडिकल उन्हें कोरोना हो गया, मैम जो अग्नि भी आएंगे वो भी तो मेडिकल सब आएंगे उनका भी कोरोना वो होगा, कौन सी गया है 67 बच्चों ने सर। और सर एक बात बताने जाता हूँ मैम, जो ऑफिसर की एंट्री होती है उसमें दो होती है, एक परमानेंट और शॉर्ट कमीशन, उनके पास चॉइस होती है आर्मी ऑफिसर के बाद हम परमानेंट जाए शॉर्ट कमीशन, हमारे पे थोप दिया कि आपको शॉर्ट कमीशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलता मैम, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ये धोखाबाजी सरकार की। और सर नाम बताओ। रंजीत अजमेर से। हर टीओडी के खिलाफ तो युवा है ही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि युवा आर्मी के अंदर कई बच्चों का, कई नहीं हजारों लाखों बच्चों का आर्मी ने फिजिकल और मेडिकल दोनों करवा रखा था, उनका रिटर्न नहीं कराया, और दो साल से आर्मी के जो बड़े चीफ बैठे हुए हैं वो बच्चों को ये पागल बनाते रहे कि कोरोना काल के कारण आपकी भर्तियाँ नहीं हो रही, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि बच्चों को दो साल कर्जा, गरीब किसान का बच्चा दो साल कर्जा उठाकर अपनी पढ़ाई करता रहा, और जब लास्ट में ये कहा गया कि टीओडी के तहत आपका जो दो साल की आपकी मेहनत थी मेडिकल और फिजिकल आपका क्लियर हो रखा था उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, एयरफोर्स का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने वाला था उसके खिलाफ भी केंद्र सरकार ने मुंह पे जवाब दे दिया कि इसका कुछ भी नहीं होगा, आज कम से कम 67 बच्चे पिछले 4 दिन के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, और मीडिया इस मुद्दे को नहीं उठाती, नेताओं का तन बचाने के चक्कर के अंदर मीडिया खुद नंग, मीडिया चौथा आधार स्तंभ कहलाती है, लेकिन मीडिया भी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, क्योंकि एक हायरार्की सिस्टम के तहत अगर हम देखें तो आज प्रत्येक युवा डिप्रेशन में, आज मैं डिफेंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैं ये देखता हूं कि कम से कम मेरे पास 1000 बच्चे रोज कॉल करते हैं और मेरे से ये कहते हैं कि सर हम बहुत डिप्रेशन में, हम क्या करें, 4 साल की जॉब के अंदर बच्चा जो गरीब किसान का बच्चा कर्जा लेकर पढ़ाई करता है वो कब तक ऐसे करता रहेगा, हमारा मोदी सरकार से सिर्फ यही कहना है कि जो आर्मी की भर्ती पहले हो रखी है उनका एग्जाम कराए और जो एयरफोर्स का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करें। मेरा मोनू चौधरी नाम। आज विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरी है, इस काली योजना का विरोध है जिसके तहत हमारे 26 साल का जो युवा है उसको घर बैठा दिया जाएगा बिना पेंशन के, सिर्फ 4 साल की कमीशन, शॉर्ट टर्म कमीशन के तहत उसका विरोध है। विरोध है आज 365 दिन में से 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले लोगों का, जो 265 दिनों के बारे में नहीं बताते कि आम व्यक्ति तब कहां से कमा के खाएगा। आज विरोध है उन राजनीतिक पार्टियों का जो सड़क पर उतार कर बेरोजगार युवकों को यूज करती हैं और हिंसात्मक आंदोलन करती हैं। आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है, वो एक संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में जब तक मोदी सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी हम इस योजना पर काम करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तीनों जो सेना के हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्लियर कह दिया कि इस योजना को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, तो फिर विरोध किस तरह से होगा? मोदी सरकार का जो समय है उसको आप एक अघोषित आपातकाल का समय बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी विरोध की गुंजाइश नहीं होती है, जो विरोध करता है उनके साथ तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इसी से डर कर ये जो तीनों सेनाओं के जो वो हैं अध्यक्ष मुख्य जो हैं पर्सन्स, उन लोगों ने उनको रात को उठा करके जब विरोध शुरू हुआ उनको ज़बरदस्ती बुलवाया गया है, ये हम बता रहे हैं।